प्रयत्नम् सततम् प्रयत्नम् करिष्यामः करिष्यामः वयं स्वपित्रो वयं स्वपित्रो शिक्षकाणां शिक्षकाणां गुरुणां गुरुणां च सर्वदा च सर्वदा सम्मानं करिष्यामः सम्मानं करिष्यामः अपि च सर्वे अपि च सर्वे सशिष्टतया सशिष्टतया व्यवहारं करिष्यामः व्यवहारं करिष्यामः वयं स्वदेशं वयं स्वदेशं देशवासिनश्च देशवासिनश्च प्रतिष्ठावन्तं प्रतिष्ठावन्तं भवितुं प्रतिज्ञां कुर्मः तेषां कल्याणं तेषां कल्याणं समृद्धौ च समृद्धौ च अस्माकं सुखम् अस्माकं सुखं सन्निहितं सन्निहितं जयतु भारतं जयतु भारतं इन बंगाली इन सेंटेंस একটা ভালো গানের সুর প্রত্যেকটা শ্রোতার ধ্যান আকর্ষিত করে একটা ভালো গানের সুর প্রত্যেকটা শ্রোতার ধ্যান আকর্ষিত করে Yeah.
आसान शब्दों में समझते हैं। होता क्या है कि हमारी जो आम रोजमर्रा की जो लाइफ है, हम ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि समय नहीं मिलता या फिर वर्किंग कल्चर की वजह से सबका अपना अपना काम है, तो हम आसानी से उसको कैसे कर सकें। छोटी छोटी चीज़ें करने से भी अच्छा हो सकता है। हमारे सबसे पहले आते हैं प्राणायाम, ठीक है, फिर योग या योगा बोलते हैं, फिर उनकी कसरत या एक्सरसाइज, उनको आसान शब्दों में समझते हैं। जो पहली सीढ़ी, मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकते, पर पहली सीढ़ी प्राणायाम, प्राण का व्यायाम, वो उसका संधि विच्छेद नहीं है, पर मैं करके बता रहा हूँ। सांसों को अच्छे ढंग से लेना और छोड़ना, ये प्राणायाम। अगर एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, आसान शब्दों में सबसे आसान एक्सरसाइज प्राणायाम, एक्सरसाइज का ही प्रकार। दूसरा हम आते हैं योग या योगा का। जब सांसें थोड़ा तेज चलने लगे तो वो योग का रूप ले लेती है, जहाँ थोड़ी सी मेहनत पड़ जाती है शरीर को, जब थोड़ा सा लेवल मेहनत पड़ती है तो योग हो जाता है। मैं आराम से बैठ के छत पे भी सांस ले रहा हूँ, वो प्राणायाम का प्रकार हो सकता है। पर अगर वही मैं वज्रासन में बैठ जाऊँ, ठीक है, या किसी और आसन में, तो मेरे बॉडी और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो सांसें अपने आप थोड़ा तेज चलने लगती है, मुझे मेहनत ज़्यादा लगी, वो योग या योगा हो गया। प्राणायाम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, योग या योगा भी कहीं पर भी हम आसान मुद्रा में बैठ कर किया जा सकता है। एक्सरसाइज सबसे ऊपर वाला एक्सट्रीम, जिसमें सांसें ज़्यादा तेज चल सकती है, वो जगह पर बैठ कर भी हो सकता है, दौड़ कर हो सकता है, खेल कर हो सकता है, यानी सबसे ऊपर वाला भाग है वो एक्सरसाइज है। उसके लिए हमको बाहर जाना पड़ सकता है या घर के अंदर भी कर सकते हैं। और सबसे आसान ऐसे तो प्राणायाम के कई प्रकार हैं, वो बहुत लंबा टॉपिक है, पर सबसे आसान है अगर हमको प्राणायाम करना है तो हम जब भी सांस लें हमको कोशिश करना है मैं इतनी लंबी सांस ले रहा हूँ, पर क्या मैं ले भी रहा हूँ कि नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब सांस ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ,
पर जब हम ध्यान देने लगेंगे कि मैं सांस ले रहा हूँ, समझ लेना हमारे शरीर में सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब हम ध्यान देकर अगर सांस लेंगे, जब भी याद आए तब भी सांस लेना है तो बहुत अच्छा होगा। सब लंबी सांस लेना मतलब ऐसा है खेतों में हर कोने में पानी पहुंचाने जैसा है। शरीर के हर कोने में अगर ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी पार्ट जल्दी खराब नहीं होगी, मतलब सीधा सीधा अगर सरल शब्दों में समझे ठीक है। तो सबसे आसान जो प्राणायाम है वो है कहीं भी बैठ के सांस अच्छे से लेना, लंबी सांस वही फिर उसको ध्यान केंद्रित करना, मेडिटेशन करना, वो अलग चीज। हम आसानी में देखिए कम समय में और कैसे कर सकते हैं। दूसरा योग ये होगा, सबसे आसान योग है पद्मासन ठीक है। सबसे आसान एक तरह से देखें तो बैठने की बोल रहा है, अगर मैं पैर के ऊपर पैर नहीं चढ़ा सकूँ तो हम नॉर्मली नहीं बैठ सकते ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टप हैं। उसके बाद आते हैं कसरत पे, एक्सरसाइज पे ठीक है। एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलना जरूरी नहीं, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो एक जगह पर बैठ कर भी कर सकते हैं, वाइब्रेट होना चाहिए। अभी लेफ्ट से अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार जरूरी नहीं जोर से दिए, जिसको जितना कंफर्टेबल लगे ठीक है। ऐसा दो दो बार कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़ के सर के पीछे ले लीजिए ठीक है, और पीछे से सर को धक्का देना, सर को पीछे की तरफ धक्का देना। उसके बाद अगला आगे सर एक बार, पीछे एक बार, लेफ्ट में एक बार, राइट में एक बार, पर आराम से ठीक है। आगे एक बार, पीछे एक बार, लेफ्ट में एक बार, नहीं हाँ घुमाना नहीं है, पूरा पूरा बैंड करना ठीक है। राइट में एक बार, ये हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे बैठे तो कहीं पे हल्का कर सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड आता है इसका, थोड़ा राउंड जैसे इधर थोड़ा राउंड, जितना कंफर्टेबल, दो बार तीन बार, किसी को चक्कर भी आता है राउंड करने से तो आप अपने हिसाब से कीजिए आराम से। थोड़ा पास कर दिया, ये सिर्फ के लिए हो गया, हाथ के लिए सबको पता है। दोनों हाथ आगे फटाफट करते हैं, बस आपको जैसा ठीक लगे, चाहे तो दोनों को एक तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, फिर दोनों को एक तरफ, चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं ठीक है। काम करते करते उंगलियां अगर दर्द देने लगे तो जैसे हम टाइट अगर उंगलियों करते हैं, एक बार ऐसा कीजिए टाइट, अगर किसी चीज को खरोंचना हो कैसे करें, टाइट कीजिए और थोड़ा बंद कीजिए, फिर टाइट कीजिए, फिर बंद, फिर एक बार टाइट, एक बार। जो लोग ज़्यादा देखते हैं उनके लिए, हम लोग तो उतना नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद फिर ठीक है। एक थर्ड लास्ट वो नीचे से बता देता हूँ, अगर यहाँ पॉसिबल नहीं होगा फिर मैं तोड़ देता हूँ। जैसे हम बैठते हैं चेयर पर बैठे हैं सिर्फ बस ठीक है, तो ये भी थोड़ा इधर थोड़ा फ्री, थोड़ा हाथ फ्री, थोड़ा पैर फ्री, तो कम से कम कम मेहनत कम समय में थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं ठीक है। थैंक यू।